السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد

हम दो सुना के बाद आज हम लोग जिस उनवान के तहत कुरान सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें सुनने वाले हैं वो है पाकिज़ा रिज़क कैसे मिलता है रिज़क देने वाला अल्लाह है हर मुसलमान का ये अकीदा हो सबसे पहले कि रिज़क अल्लाह देता है और रिज़क की ज़रूरत माल की ज़रूरत पैसों की ज़रूरत हर इंसान को होती है जैसे ही इंसान इस दुनिया में आया उसे खाने की जरूरत होती है यानी वो माँ के दूध की शक्ल में उसको पेट भरना होता है जैसे जैसे बड़ा फिर खाना खाता है फिर रोटी खाता है जो चीज़ भी है यानी उसे जिंदा रहना है तो उसे खाने की जरूरत है तो खाना कहाँ से मिलेगा उसको पैसों के जरिए से मिलेगा पैसे कहाँ से आएंगे वो मेहनत करेगा कमाएगा तो बहरहाल ये हर इंसान की जरूरत है माल तो हर बात इंसान जो भी शूर में आया यानी होश में आया उसको अब इसकी तमन्ना होती है अब उसको इसकी ख्वाहिश होती है बचपन में तो ख्वाहिश नहीं होती लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाता उसकी ख्वाहिश भी बढ़ते जाती पहले तो खाने की चीजों की बच्चों को हम देखते हैं खाने पीने की चीज़ें छोटी छोटी जो होती है उसकी ख्वाहिश होती है फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ उसको पैसों की ख्वाहिश होती है फिर जैसे ही बढ़ते गया वो उसको पढ़ाई के दिनों से ही ये सोच बढ़ती है कि भाई मैं अच्छा पढ़ूंगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी अच्छा जॉब मिलेगा और अगर अच्छा कमाऊंगा तो फिर बहुत ज्यादा क्या है माल कमा सकता अच्छे घर बना सकता अच्छे गाड़ियाँ ये तमाम चीजें उसके ख्वाहिशात भी बढ़ते जाती हैं इसके लिए अब वो मेहनत करता है आजकल तो बच्चों को बचपन से ही यह चीज सिखाई जा रही है कि बेटा अच्छा पढ़ेगा तो फिर तेरी लाइफ तेरा फ्यूचर अच्छा बनेगा लड़कियों को भी यही सिखाया जा रहा लड़कों को भी यही सिखाया जा रहा असल में तेरे पढ़ने का मकसद ये है कि तू बड़ा होने के बाद अच्छा कमाने वाला बने लखपति बने करोड़पति बने बहुत ज्यादा तेरी बड़ी बड़ी गाड़ियां हो तेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो बेटा तेरा फ्यूचर अच्छा होगा ये होगा वो होगा इस तरह बचपन से ही उसके दिमाग में ये ख्याल डाले जाते हैं तो अब वो बच्चा भी जैसे ही पढ़ता है अब उसकी सोच यही होती है कि मैं कमाने वाला बनाऊ बस अब उसके लिए वो मेहनत करता है अब वो मेहनत पढ़ाई से शुरू होती है तो फिर जब वो जवान होता है बड़ा होता है उसके बाद भी ऑफिस में जॉब करना हो या फिर कोई कारोबार करना हो या जो भी काम करता है अब उसके लिए वो मेहनत करता है अगर वो इंडिया में रहने वाला है तो यहां पर उसको काम नहीं मिलता तो वो अपने मुल्क तो दूसरों को, को के तो दूसरे शहर में जा रहे एक तो शहरों को छोड़ना अलग चीज है मुल्कों को छोड़ना अलग चीज है तो आज औरतें भी मुल्कों को छोड़ के सात समंदर पार करके जैसा कि बोलते हैं समंदरों को पार करके दूसरे मुल्कों में जाके आज औरतें भी काम कर रही है और मर्द भी काम कर रहा है आप काम करने वाले कमाने वाले मेहनत करने वालों के अलग अलग मकासद है कोई सिर्फ पेट भरने के लिए काम करता है कोई गरीबी की वजह से इतना लंबा सफ़र करता है कोई कर्जों की वजह से जाता है तो कोई बहनों की शादियों की वजह से जाता है और कुछ तो ऐसे लोग हैं उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है उसके बावजूद भी वो और अपने माल को बढ़ाने में और अपनी क्या है गाड़ियों को और लोगों के सामने जो है अपने आप को बड़ा बताने के लिए सिर्फ कमाने के चक्कर में वो निकल जाता है तो बहरहाल इस तरह लोग जैसे ही बाशहूर बनते हैं उसके लिए क्या है माल के लिए पैसे जमाने के लिए कोशिश करते रहते हैं तो आज अगर हम लोग देखेंगे आम तौर पर ये जो फिल्मों की वजह से और ये जो न्यूज़ ये जो कुछ भी सोशल मीडिया की वजह से अक्सर तो मैं कहता हूँ ये फिल्मों का ही देखा देखी में आज ये माल की हिरस ज़्यादा हो गई है आज सिर्फ पेट भरने के लिए कमाने वाले बहुत कम हैं और सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपना फ्यूचर जो भी है भैया आने वाले दिनों में मैं मेरे बच्चे मेरी बीवी सब सुकून से रहे इतनी हद तक कमा के रखना है ये सोचने वाले बहुत कम है बल्कि इसलिए कमाने वाले बहुत ज्यादा है कि नहीं भाई उसकी गाड़ी है मेरी भी गाड़ी हो उसका बड़ा बंगला है मेरा भी बड़ा बंगला हो उसके पास इतनी कर जमीन है मेरे पास भी हो इस तरह लोगों को देखा देखी में अब ये हिर्स इतनी बढ़ गई है देखिए कमाना मना नहीं है इस्लाम कभी यह मना नहीं करता कि आप लखपति बनो करोड़पति बनो आप बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले बनो जमाने वाले बनो इस्लाम इसे मना नहीं करता लेकिन इसकी हिर इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि हलाल हराम की भी तमीज छोड़ के अगर आप कमाने वाले बन गए तो फिर ये इस्लाम इस चीज से मना करता है हलाल हराम की तमीज तो दूर की बात आज इंसानों को कतल करके पैसे कमाने वाले बन गए आज इंसान इंसानी जान की अहमियत तक नहीं रही बल्कि इस माल की, में, की हिरस में पैसों के हिरस में ऐसे ऐसे वाकयात हम देखते हैं सगे भाइयों को सगी बहनों को कतल करने वाले आज हमको नजर आते हैं रिश्ते ताल्लुक तोड़ देने वाले नजर आते हैं बल्कि सगे माँ बाप को कतल करने वाले नौजवान भी आज हमको नजर आते हैं बल्कि चंद रुपये जो उनको हर महीना पेंशन के तौर पर आते हैं वो पैसों के लिए भी माँ को मारने वाला नौजवान आज हमको नजर आता है बल्कि हालात ऐसे ऐसे हैं कि ये माल की हिरस कभी कभी न्यूज देखता हूं तो ऐसे अजीब न्यूज हैरान हो जाता हूं कि गाड़ी का अगर फाइनेंस किया हुआ है अगर उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो इतने लाख वो कंपनी देगी तो इस चीज को जहन में रखते हुए उस गाड़ी में उसके ड्राइवर को या फिर उसके भाई को या उसके किसी रिश्तेदार को बिठा के जानबूझकर उस गाड़ी को एक्सीडेंट करवाने वाले आज लोग नजर आते हैं ताकि उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए वो गाड़ी का भी खराब हो जाए तो उसके बदले में मुझे इतने लाख मिले बल्कि आज ये जो हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से और लाइफ इंश्योरेंस के नाम से जो लोग पैसे जमा कर रहे हैं ना इस पर भी लालच इतनी बढ़ गई है कि सगे बेटे मेरे बाप के नाम पे अगर उसका कुछ हो गया एक्सीडेंट हो गया या मर गया तो फिर मुझे इतने पैसे मिलेंगे क्योंकि वो इंश्योरेंस करा के रखा तो मर गया तो बीस लाख मिलेंगे बल्कि आज हमारे तेलंगाना गवर्नमेंट में तो यहां तक है किसी के नाम से अगर जमीन है तो जब, जब वो आदमी मर जाता है यानी खेतीबाड़ी करने वाले जिसके नाम से भी थोड़ी सी भी जमीन हो तो जिसके नाम पे जमीन है अगर वो आदमी औरत हो या मर्द हो मर गया तो उसको फिर पांच लाख रुपए उसके औलाद को मिलते हैं वो जमीन थोड़ी हो या ज्यादा हो अगर मर गया तो फिर उसके औलाद को पांच लाख मिलते हैं तो ये सोच करके अब मेरा बाप मर गया बूढ़ा है कितने दिन रहेगा ये बीमार है इसको बीमारियों को हमेशा मैं हॉस्पिटल में बताऊं इसके ऊपर खर्च करूं माँ को बताते रहूं उसको खिदमत कराते रहूं कितने दिन ये करूं बेहतर है कि ये मर जाए फिर इसके नाम से जो लाइफ इंश्योरेंस हो या फिर हेल्थ इंश्योरेंस हो या फिर ये जमीनों की तरफ से जो लोन आता है ये लोन के लिए जान बूझ कर सके बाप को कतल कर रहे आज जान बुझ कर सगे भाइयों को कतल कर रहे आज कितनी न्यूज नहीं सुनते हम जमीनों की लड़ाई है घर में प्रॉपर्टी की लड़ाई है सगी बहने सगे भाई एक दूसरे का कालर पकड़ रहे बल्कि न्यूज में आ रहे हाँ सोशल मीडिया पे आ रहे कोर्ट में जा रहे आ, खतल करने के लिए तैयार हो जा रहे प्लानिंग कर ले रहे कतल कर दे रहे अल्लाह अकबर इतनी ज्यादा ये माल की हिरस इतना ज्यादा ये पैसों का हिर और वो ये भूल जाते हैं कि जब वो मर जाएंगे तो ये माल जिसके लिए किसी को कतल किया किसी को रुलाया किसी को जुल्म किया किसी का कब्जा किया उसमें से एक चीज भी आने वाली नहीं है बल्कि ये सब चीजें फिर उसके खिलाफ उसको जहन्नम में दाखिल कराने वाली होंगी लेकिन ये फिक्र ही किसी को नहीं है मुसलमानों की बात कर रहा हूं मैं गैर मुस्लिमों की तो बोल रहा हूं नहीं यहां पर मुसलमान ऐसी आज हरकतें कर रहे हैं अल्लाह के लिए गौर करना तो जब इंसान के अंदर ये ख्याल रहे रिजक देने वाला अल्लाह है और अल्लाह ताला उतना ही रिज्ज मुझे इस दुनिया में देगा यानी अल्लाह ताला जितना लिखा मुझे उतना ही मिलना है ना उससे ज्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा इंसान समझता है कि मैं मेहनत करूं मैं कोशिश करूं तो मुझे मिलता है नहीं 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 नहीं, नहीं गलत बात है अपनी कोशिश से या अपनी मेहनतों से रिजक नहीं मिलता अल्लाह जितना लिखा उतना मिलता अगर मेहनत करने से पैसे ज्यादा मिलते अगर ये सच होता तो आज मजदूरी करने वाला आप लोग देखते होंगे जो रोड पे काम करने वाले या फिर लेबर काम करने वाले या जो भी बहुत ज्यादा ये मेस्त्री का काम करने वाले इनकी अगर आप तकलीफ देखेंगे और ये जो खेती बाड़ी का काम करने वाले सुबह से लेकर शाम तक कितनी मेहनत करते कितनी मेहनत करते अल्लाह अकबर छोटे छोटे बच्चे भी उनके उनकी मेहनत करते हैं उनकी औरतें भी बराबर उनके साथ वो जमीन में कभी पाइपलाइन वगैरह डालना होता तो खोदते ना उन पर कभी गौर करो हर चीज पर सिर्फ हम नहीं हमको क्या करना का हमारे को जो मिल रहा है हम खाए पिए नहीं हर चीज में गौर करो हमारा ईमान ताजा होता अल्लाह की निशानियां हमको मालूम होती अल्लाह हमको क्या दिया शुक्र करने का जज्बा पैदा होता हर चीज पे गौर करो अल्लाह हम इतनी सुकून से जो जिंदगी गुजार रहे इतना अच्छी चीजें खा रहे इतनी अच्छी चीजें पहन रहे लेकिन कभी उन लोगों को भी देखे जो रोड पे वो पाइपलाइन वगैरह डालना होता तो जो मेहनत करते हैं उनकी औरतें भी मर्द के साथ बराबर मेहनत करती सुबह से लेकर शाम तक गर्मी के मौसम में तो देखो ये रोड वगैरह रोड के काम करने वालों को कभी देखो वो कितनी गर्म चीज वो डंबर वगैरह का काम करते हैं कितनी तकलीफ होती है कभी खेती बाड़ी करने वालों को देखो आप सुबह दस बजे झुकते हैं झुकना जो होता है खेत में काम करने के लिए झुकते हैं दस बजे तो सिर्फ खाना खाने के लिए दो बजे उठते हैं फिर आधा घंटा रेस्ट लेते हैं खाना खाने के बाद फिर झुकते हैं तो मगरिब में फिर उठते हैं अकबर पूरा दिन कीचड़ में पानी में सर्दी के मौसम में गर्मी के मौसम में हर मौसम में ये लोग इतनी मेहनत करते हैं अगर मेहनत करने से ज्यादा पैसा मिलता तो फिर करोड़पति तो ये लोग होना था सबसे ज्यादा पैसे तो इनके पास रहना था लेकिन इसके पास नहीं होता लेकिन एक, एक वो कंपनी चलाने वाला जो होता है, वो आता है एसी के रूम में बैठता है नरम नरम गद्दी में बैठता है लैपटॉप सामने लेके दो चार सिग्नेचर्स कर देता है करोड़ों का मालिक बन गया वो कैसे हुआ मेहनत करने से नहीं अल्लाह जब देता है अल्लाह जितना लिखा उसको उतना ही मिलता है अल्लाह के लिए गौर करना और अगर कोई ये सोचे नहीं भाई मैं पढ़ाना मैं मेहनत कराना मैं कोशिश कराया ना नहीं भाई ये मेहनत भी अगर तू करा तो फिर इस पर तेरे को जो सलाहियतें लगी तेरे को जो मेहनत लगा तो वो पढ़ने में वो जॉब मिलने में जो अल्लाह ताला तुझे सलाहियत दिया उसी से तो तू आगे बढ़ा अगर अल्लाह ताला दिमागी तौर पर तुझे कमजोर कर देता तो पढ़ सकता अगर پیدائشی तौर पर हाथ और पैर का माजूर होता तो कितना मुश्किल होता दिमागी तौर पर माजूर होता तो कितना मुश्किल होता उसके बावजूद तेरे साथ तेरे से ज्यादा पढ़े हुए मेहनत करे हुए कई लोग होंगे जिनके पास तेरे से भी ज्यादा अच्छी बड़ी बड़ी डिग्रियां होंगी लेकिन उनको वो जॉब नहीं मिला तेरे को मिलता है कितने लोग हैं जो बाहर जाते हैं मुल्क को छोड़कर जाते हैं मेहनत करने के लिए उसमें से कई लोग आप बिस, बिस, तीस, तीस साल गुजार देते हैं फखिर के फखिर गरीब के गरीब वैसे ही रहते हैं लेकिन उसके बाद जाने वाला कुछ ही दिनों में लखपति करोड़पति बन के आता है कैसे हुआ है अल्लाह ताला जिसको जितना देना चाह उतना उसकी तकदीर में लिख दिया उतना ही उसको मिलना है याद रख लो इस चीज को जैसा कि हमारी ये सोच के मैं मेहनत करे तो होता अगर आप मिसाल के तौर पर गौर करेंगे तो जितने परिंदे हैं परिंदे क्या करते हैं कभी ये तकबर नहीं करते कि मैं मेहनत करे तो मिलता और परिंदे जमाते भी नहीं चाहे वो परिंदे हो या फिर वो चूंटियाँ हो जो बिलों में रहने वाली सुराखों में रहने वाली इसी तरह समंदर में जिंदगी गुजारने वाली मछलियाँ हो आप उनको देखेंगे उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं रहता वो कोई चीज जमा के नहीं रख लेते फ्यूचर के नहीं सोचते वो लोग सुबह निकलता है परिंदा अपने घोंसले से शाम को पेड़ भर कर आता है अल्लाह अकबर जहां भी रहने वाला हो घरों में रहने वाले परिंदे अलग है जंगलों में रहने वाले परिंदे अलग है हम पत्थरों के नीचे देखते हैं कभी कभी पत्थर उठा के देखते हैं तो वो पत्थरों के नीचे भी कोई ना कोई मखलूक होती है उसको वहां पर उस जगह में रिजक देने वाला कौन जमीन को हम खोदते हैं तो मिट्टी के नीचे से निकलते हैं कई मखलूक कई कीड़े कई जानवर उनको वहां पर रिजक देने वाला कौन अल्लाह

कि मेरा रब अपने बंदों में जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा करता है और जिसके लिए चाहे तंग करता है तुम जो कुछ भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे अल्लाह ताला इसका पूरा पूरा बदला देगा और वो सबसे बेहतर रोजी देने वाला है देखिए अल्लाह ताला वाजे कर दिया अल्लाह जिसे चाहे उसकी रोजी तंग कर देता है और अल्लाह जिसे चाहे उसकी रोजी को कुशादा कर देता है बहुत ज्यादा देने वाला भी अल्लाह और देने के बाद छीनने वाला भी अल्लाह कई करोड़पतियों को देखते हैं एक जमाने में बड़े बड़े कंपनियों के मालिक थे बड़े बड़े गाड़ियों के मालिक थे करोड़ों लाखों के मालिक थे आज भिकारियों की तरह भीख मांगते हुए फिर रहे हैं कितने लोगों को हम नहीं देखते कितने एक्टर एक्ट्रेसेस की जिंदगी कभी देखो एक जमाने में वो कैसे थे और आप कैसे है तो अल्लाह तला देता भी है जिसको चाहे छीनता भी है अल्लाह जिसे चाहे तो कभी पैसों पे अकड़ ना हो हमारी तकबर ना हो और अल्लाह ताला अगर दिया तो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसका भी भी उसको हक अदा करना है तो यार, जो की तलाश में निकलता है उसको अल्लाह ताला की पांच नाम अल्लाह ताला के पांच सिफती नाम है उसको याद रख लेना चाहिए जब उसे वो पांच नाम याद रहेंगे ना तो इंसान कभी गमजदा नहीं होता परेशान नहीं होता कौन से वो पांच नाम है देखिए अल्लाह ताला की एक सिफती नामों में से एक नाम है राजिक राजिक का मतलब होता है रिजक देने वाला दूसरा है रजाक बहुत ज्यादा रिजक देने वाला इसी तरह तीसरा नाम है अलमुक्ति अता करने वाला और चौथा नाम है वहाब का मतलब है बहुत ज्यादा अता करने वाला इसी तरह अलमुगनी गनी कर देने वाला तो रिजक देने वाला भी वो बहुत ज्यादा रिजक देने वाला भी वही है अता करने वाला वही है इसलिए जब एक मुसलमान का यह अकीदा हो के देने वाला अल्लाह है तो वो फिर गमजदा नहीं होता परेशान नहीं होता रिजक अल्लाह देता आज देखिए एक बात याद आई तो मैं आप लोगों के सामने रख देना चाहता हूँ वो ये है कई लोग मुझसे सवाल करते हैं जो बैंक में, है। में काम करने वाले होते हैं या फिर फाइनेंस कंपनियों में काम करने वाले होते हैं जब वो लोग सवाल करते हैं कि भाई हम जो ये काम करते हैं और बहुत सारे वो तंबाकू वगैरह का भी और आम तौर पर मुसलमानों में भी आज ये बहुत सारी ख़वान जो बीड़ियाँ बनाती हैं और ये बीडियों और सिगरेट्स का कारोबार या दुकान लगा के उसको बेचने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं और शराब की दुकान चलाने वाले भी बहुत सारे लोग होते हैं तो बहरहाल ये लोग जब सवाल करते हैं उनको जब हम जवाब देते हैं कि देखो भाई हराम चीज़ खाना भी हराम ही है और इसी तरह वो हराम चीज का कारोबार करना भी हराम है हराम चीज जैसा कि फाइनेंस है सूद है बैंक है आप इसमें अगर सूद लिए तो भी हराम है सूद दिए तो भी हराम है वो सूद अगर आप घर में किसी को देकर भी दिए तो भी हराम है या लिए तो भी हराम है लेकिन जब हम ये बातें बोलते हैं तो नहीं भाई मैं तो वो बैंक में मैनेजर में तो नहीं हूं ना मैं वो बैंक में क्या है सिर्फ नौकरी करता हूँ या साफ सफाई का काम करता हूँ या फाइनेंस में काम करने वाले बोलते हैं कि नहीं भाई हम खाली वो गाड़ियों को पकड़ते हैं हम खुद तो जाके क्या है वो उसके पास पैसे वसूल नहीं करते ना हम क्या समझते डायरेक्ट वो सूद का पैसा इस हाथों से लिए तो हराम है हम नहीं लेते ना हम खाली क्या कर रहे हैं उसमें काम कर रहे हैं इसलिए हम कैसे हराम हो जाते हैं लोग हम समझते सिगरेट पीना ही हराम है शराब पीना ही हराम है लेकिन मैं शराब भर के मेरी गाड़ी में लेके जा रहा हूं ये कैसे हराम हो सकता मैं पी रहा हूं नहीं ना मैं पिला रहा हूं नहीं ना ये समझता इंसान नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। शराब के ताल्लुक से ये नशा वाली चीज़ों के ताल्लुक से ये सूद के ताल्लुक से इतनी ख़तरनाक बातें हैं इतनी ख़तरनाक बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद के ताल्लुक से सूद पे गवाह रहने वाला लिखने वाला लेने वाला देने वाला सब बराबर है शराब के ताल्लुक से भी दस लोगों पर लानत की गई है लेने वाला बेचने वाला तोहफा देने वाला लेके जाने वाला ड्राइवर ये सब चीज़ें ये हराम चीज़ों का कोई कारोबार नहीं करना लेकिन लोग क्या बोलते हैं अब नहीं भाई ऐसा कैसा हो सकता अब हम कैसा जिंदगी गुजारना हमारे को वो एक ही काम आता ना दूसरा काम हमारे को नहीं आता अगर वो काम छोड़ दिए तो हम कैसे जीना हमारे बच्चे कैसे जीना हम कैसा ये पूरा रोना रोते फिर मैं बोलता हूँ भाई कई लोगों को समझाया देखो भाई अगर हमारा ईमान मजबूत होना अल्लाह पे जैसा ईमान होना वैसा अगर है कि में अल्लाह ताला ने वाजे कर दिया रिजक देने वाला अल्लाह खिलाने वाला अल्लाह पिलाने वाला अल्लाह है अल्लाह पे भरोसा करके अगर तुम वो गुनाह है गुनाह को गुनाह समझ के अगर छोड़ेंगे अल्लाह ताला उससे बेहतर रास्ता अदा करेगा हो सकता है अल्लाह ताला थोड़े दिन के लिए आजमाएगा मेरा बंदा इसमें सच्चा है, है लेकिन अल्लाह ईमान ऐसा नहीं है अच्छा, इसको छोड़ दिए तो मैं फखिर बन जाता इसको छोड़ दिए तो शायद मैं मर जाता बल्कि इसमें कई लोग ऐसे है जो लाखों की प्रॉपर्टी है उनकी अब उसका मजा लग गया है वो छोड़ना नहीं चाहते वो छोड़ना नहीं चाहते लेकिन ये ईमान नहीं है ये ईमान नहीं है सच्चा ईमान तो वो है जब गुना के बारे में मालूम हुआ तो उस गुना को फौरन छोड़ दे जैसे कि हमारे साहबा ने छोड़ा बल्कि मैं कई दिन पहले एक साहब का एक वीडियो देखा था हु अकबर इतना ईमान ताजा हुआ उनकी जिंदगी उनका वो वाक सुनकर कि वो अभी शायद अभी कहाँ हैं कैसे हैं नहीं मालूम लेकिन बहरहाल उनका एक वीडियो देखा सीडी में अपनी ज़िंदगी के बारे में बता रहे थे कि वो एक ज़माने में जैसा कि डांस प्रोग्राम्स होते हैं आज तो डीजे वगैरह है लेकिन उस जमाने में वो डीजे वगैरह नहीं था बैंड वगैरह लगाना था आर्केस्ट्रा लगाना था और लड़कियों को बुला के नचाते थे आज भी शादियों में नचाते हैं बहरियाल लोग और गाने लगाते हैं हाँ गाने गंवाते हैं औरतों के साथ तो ये इस तरह का, का कारोबार करने वाले उनके पास पूरे गाने बजाने के ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे वो औरतों को लाके नचाते भी थे गंवाते भी थे लेकिन अल्लाह ताला उनको हिदायत दिया अल्लाह अकबर जब, जब वो बोलते हैं कि जैसे ही मैं सच्ची तोबा करा और जैसे ही अल्लाह ताला से मैं माफी मांगा और वो सब मेरा धंधा जो था उसे छोड़ दिया तो मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझे काम मिलना तो दूर की बात अब तक मैं सेहतमंद था अब बीमार होना शुरू हो गया और इतना बीमार हो गया इतना बीमार हो गया जो कुछ भी मेरे पास पैसे थे वो भी खत्म हो गए बल्कि आखिर में मुझे मेरी बीवी को मेरे बच्चों को सबको बाहर जाकर रोड पे भीख मांगना पड़ा ऐसी नौबत आ गई लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऐसी हालत में यह सोचता रहा अल्लाह इतने दिन जो मैं हराम कमाई कमाया ना तो इस बीमारी की वजह से अल्लाह ताला मेरी वो हराम कमाई को खत्म करना चाह रहा इसलिए यह बीमारी दिया ये सोच के मैं खुश हुआ बोले कितनी बड़ी बात है यह सोच कितने लोगों की है अल्लाह के लिए गौर करना एक साहब मुझे दुबई में भी मिले थे माशाल्लाह एक दो मरतबा ही उनसे मुलाकात हुई लेकिन वो भी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के साथ ताल्लुक रखने वाले इतनी ज्यादा उनकी कमाई वहां पर जो भी होटल्स में आते हैं दुबई में फिल्म स्टार्स या सेलिब्रिटीज जो भी अलग अलग मुल्कों से वहां पर आते हैं उनको रिसीव करना उनको अच्छे होटल्स में लेके जाना और वहां पर इंतजाम करना इस तरह का उनका कारोबार था जब वो मिले बोले कि फयाज भाई मैं एक मरतबा हज को गया और वहां पर एक खुतबा सुना क्योंकि दुबई में रह रहे के मुझे अरबी भी मैं सीख लिया अरबी बात भी करता था तो अरबी जुबान में वहां पर मैं जुमा का एक खुतबा सुना उसमें यह कारोबार हराम है मेरे दिल को लगी बात फौरन आया मैं वो सब चीजें छोड़ दिया अलहमदुल्ला अब एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा हूं मेहनत कर रहा हूं और अल्लाह ताला रिजक दे रहा है वो सब कुछ छोड़ दिया हालांकि लाखों की प्रॉपर्टी लाखों का कारोबार था तो ये ईमान अपने अपने ईमान की बात है बहरहाल हराम मालूम होने के बाद हराम चीजें छोड़ना है चाहे वो औरतों का बीडिया बनाना हो या फिर और कोई भी कारोबार हराम है हराम है अल्लाह ताला तो दूसरा इंतजाम कर देगा अगर हमारा ईमान अल्लाह पे है तो बहरहाल तो ये सब चीजें सुनने के बाद देखिए आज हम लोग क्या कर रहे हैं ये अल्लाह ताला के ऊपर जैसा ईमान होना वैसा ईमान तो नहीं है लेकिन अल्लाह रिजक देने वाला है इस चीज को भूल के मुर्दों के ताल्लुक से हम ये सोच लिए कि ये रिजक देने वाले हैं। अल्लाह के ये नामों को अगर हम याद रखेंगे तो हमारा ईमान ये बढ़ता कि रज अल्लाह देता खिलाने वाला अल्लाह है लेकिन जब ये चीज नहीं मालू अल्लाह की सिफत नहीं मालू अल्लाह की कुदरत नहीं मालू तो आज मुर्दों से ऐसा मांगने वाले बन गए जैसा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना खवालियों में भी और अपने गाड़ियों पर भी अपने घरों में भी दाता लिख लेते हैं गंज बख्श लिख लेते हैं दाता गंज बख्श का मतलब होता है रिज्क देने वाला खजाने देने वाला और ये लोग दरगाहों पर बैठ कर बोलते भी है कि ये दाता है ये हमारा गजबख्श है ये फला है ये देता है बल्कि ऐसे ऐसे वाकयात के खबर के अंदर से हम सो गए तो रोटी निकली खबर के अंदर से हम सो के उठ के देखे तो इतने पैसे निकले हमारे को ये हुआ वो हुआ अब वहां पर जाके मांगते हैं तो ये शिर्क है, याद रखो ऐसा आदमी कभी जन्नत में नहीं जा सकता बहरहाल इतनी चीजें याद रखने के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं पाकिजा रिजक हासिल करने के लिए बुनियादी तौर पर इंसान दो तरीके अपनाता है पाकिस्तान कैसा मिलता है उसके दो हैं। एक है माद्दी ये थोड़ा मुश्किल है। मैं इंशाल्लाह उसको आसान करके आप लोगों के सामने समझाने की कोशिश करूंगा दूसरा है दीनी असबाब मादी असबाब से मुराद क्या है कि जैसा कि आमतौर पर मेहनत करना जॉब करना कारोबार करना ये सब चीजें असबाब बोलते हैं ठीक है इसके तालुक से सूर्य मुल्क आयत नंबर पंद्रह में अल्लाह ने कहा वो जात जिसने तुम्हारे लिए जमीन को पस्त मुती कर दिया ताकि तुम उसकी राहों में चलते फिरते रहो और अल्लाह की रोजियां खाओ पियो और उसी की तरफ तुम्हें जीकर उठ खड़ा होना है मतलब अल्लाह ताला यहां पर क्या हुक्म दिया जाओ जमीन बहुत बड़ी है अल्लाह ताला कहीं पर भी तुम्हारा रिजक तुम्हारे लिए इंतजाम कर दिया इसलिए जाओ फिरो मेहनत करो अल्लाह ताला तुमको मेहनत के बदले में अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में बरकत देगा तो यहाँ पर मेहनत करने का हुक्म है ये मादी असबाब है दूसरा सबब क्या है रिजक मिलने का दूसरा सबब दीनी असबाब मतलब ये है कि कुछ ईमानी असबाब को इख्तियार करना यानी ऐसे नेक आमाल करना ऐसे नेकियां करना खुशी से तौर पर जिनके मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अगर ये अमल करो तो अल्लाह तुमको बरकत देगा तुम ये दुआ पढ़ो तो अल्लाह ताला तुमको बरकत देगा अगर तुम ये नेकी करो तो इसके बदले में अल्लाह ताला तुमको बरकत देगा ये दीनी असबाब है तो एक इंसान जब भी रिजक की तलाश में निकलता है उसको ये दोनों असबाब इख्तियार करना है ये नहीं है अल्लाह रिजक देने वाला है ना भाई अब मैं घर में बैठ के रहता हूँ कैसा खिलाता कि अल्लाह देखता एक मरतबा ऐसा ही एक नौजवान एक साहब की तकरीर सुन रहा था गले मुल साहब तकरीर में बोले कि देखो खिलाने वाला अल्लाह है पिलाने वाला अल्लाह है रिज़क देने वाला अल्लाह है ये सब चीजें सुन के वो नौजवान बोला अच्छा अल्लाह खिलाता अल्लाह पिलाता मैं देखता हूँ अल्लाह कैसा खिलाता मैं आज घर को उसने खाना जाता खा तो नहीं अल्लाह कैसा खिलाता का देखता लेके क्या करा उन्हें घर को गए तो अम्मी का ऐसा भी खाओ बोल के बोलती जबरदस्ती करती या दोस्ता मिलते कोई तो भी खाओ बोल के बोलते इसलिए घर को नहीं जाता हूँ गाँव में रहता हूँ सीधा जंगल में चले जाता हूँ अल्लाह कैसा खिलाता कि देखता हूँ जाके जंगल में गया बड़े झाड़ के ऊपर एक दरख्त के ऊपर जाके बैठ गया अब वो जंगल में जाके झाड़ के ऊपर बैठा थोड़ी देर के बाद उसी जंगल से कुछ चोर कुछ डाकू कहीं से सामान लूट के उसी जंगल से जा रहे थे जाते जाते उन्हें जिस झाड़ झाड़ के के ऊपर बैठा उसी नीचे छांव अच्छी है भाई यहाँ पर थोड़ा अपन पका ले के, खा के आराम से बाद में जाएंगे या जितने भी पैसे लूट के लाए इसको बांट लेंगे बोल के उसी झाड़ के नीचे बैठ गए उसी दर के नीचे बैठ गए अब आराम से बैठे अब जो भी खाने पीने की चीजें थी पका लिए खाना बनाए सालान बनाए आराम से सब कुछ निकाल के चलो भाई बन गया खाएंगे बोलते वक्त एक आदमी ऊपर सर उठा के देखा करते वो चोरों में से एक चोर ऊपर देखा देखने से क्या हुआ अरे कौन की बैठ के है अरे यहाँ क्या, क्या कर रहा मिया? इन्हें कौन है उतर तू कौन है क्यों बैठा है पर बोल के चोर पूछे बोला, नहीं, मैं नहीं उतर तू मैं कहीं को उतर तू उन्होंने बोले अच्छी बात से उतरता या नहीं तो फिर जबरदस्ती उतारना पड़ता तेरे को वो नहीं उतर रहा अब उसमें से दोनों चढ़े उसको जबरदस्ती उतारे बोल तू यहाँ कहीं को बैठा क्या काम था तुझे किस लिए बैठा इन्हें बोल रहा नहीं 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 मैं नहीं, नहीं बोलता तो हूँ मैं बैठा ही सच बोलता अब उस चोरों में से एक चोर बोला कहते नहीं नहीं असल में इन्हें अपने से ज्यादा बहुत बड़ा डाकू है आए, अपने से भी ज्यादा प्लानिंग करने वाला है अपन इतनी मेहनत करके चोरी करके जो भी माल लूट के लाए इन्हें खाने में कुछ तो भी मिला के जहर अपन सब मर जाने के बाद इन्हें उठा लेके जाएंगे बोल के बैठा असल में अब क्या ये सोच जैसे ही बोल रहे मैं तो सच बोल इसमें क्या कि मिलाया कि नहीं मिलाया बोल बोले कहते नहीं 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 मैं कुछ भी नहीं मिला मैं खालिज बैठा बोल के उन्हें बोला अब दूसरा अच्छा कुछ भी नहीं मिला है ना कुछ भी नहीं मिला है तो अब पहले तू खा बोले अब खा के दिखा उसके बाद हम खाते उन्हें बोल रहा नहीं मैं नहीं खाता आज अब नहीं 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 मिला है तो नहीं खा खाना नहीं, मैं नहीं खातु बोल के मुंह बंद कर लिया दोनों चोरा पकड़ के हाथा पैराम पकड़े कहते पीछे से एक लात मारे तो सामने से अगला खाना मुंह में रखा करते जब बोला कहते अल्लाह अच्छी बात से नहीं खाए तो तू लात मार के तभी खिलाता लेकिन खिलाता अल्लाह खिलाता जब मेरे को यकीन आया बोल के बोला वो करते समझ रहे तो यार अल्लाह राज है अल्लाह है अल्लाह खिलाने वाला है आज हम देखते हैं कई लोगों को कुछ लोग होते खाना नहीं चाहते उसके बावजूद अल्लाह ताला उनको खिलाता जैसा कि ये मिसाल और कई मिसालें हम देख सकते हैं सोचिए आप कुछ लोग खाना नहीं चाहते लेकिन उनको मिल जाता कुछ लोग खाना चाहते लेकिन उनको नहीं मिलता जैसा कि अगर एक आदमी बिरयानी खाना बोल के दिल में सोच लिया बाजार में गया अच्छा बीवी को बेगम को बोल दिया लारू देखो बेगम चिकन लेके आ रहा हूँ क्या क्या लेके आना पूरा सामान बोल दो अच्छी बिरयानी बनाओ ठीक है मैं आ रहा हूँ बोले चिकन लेके गया कुतमीर पुदीना ये वो सब मसाले लेके गया घर में रख दिया अब भी जाके मगरब की नमाज ईशा की नमाज पढ़ लेके आ जाता हूँ बेगम रेडी रखो बोल के गया जाते नमाज को गया थोड़ा उधर इधर घुमा के नहीं की उसकी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई अचानक क्या है तबीयत बिगड़ी फौरन घर को आया बुखार आए जैसा हो रहा बेगम क्या हुआ कि थोड़ा डॉक्टर को बुलाओ बता ले तो डॉक्टर के पास गया चेक करा लिया आप डॉक्टर बोल दिया समझो तुम्हारे को टाइफाइड है डॉक्टर बोल दिया समझो कि नहीं तुम्हारे को इन्फेक्शन हो गया डॉक्टर फौरन बोल देता आप तेल की चीज नहीं खाना मसाले की चीज नहीं खाना क्या करता उन्हें लाया उन्हें बना बुला उन्हें लेकिन उसके मुंह में नहीं गई बिरयानी बहुत सारे लोग हैं खाना चाहते हैं नहीं खा सकते लेकिन अगर उसी टाइम पे एक भिकारी आ गया समझो अम्मा कुछ तो भी है तो डाल दो क्या करना इन्हों बीमार पड़ के सो गए अब घर में बीवी अकेली तो नहीं खा सकती उन्हें बीमार पड़े तो बनाए सो पूरा फकीर को दे देती उन्हें नहीं सोचा आज बिरयानी खा तुम बोल के लेकिन उसको बिरयानी मिल जाती रमजान के मौके में भी हम लोग देखते हैं एक आदमी खाता घर में आराम से खा लेता दो चार दोस्तों के पास जाता रिश्तेदारों के घर को जाता सेमिया खा लेता मीठा खा लेता सब खाने के बाद थोड़ा रिश्तेदारों को मिलके आंगे बोल के जाता फूपू के घर को गया उसके बाद खाला के घर को गया ऐसे ही घूमते रहता अब जैसे ही अगर वो फूफी के घर को गया समझो जब तक फूल खा के है पेट भर के है जाने के बाद क्या बोलती फूपू क्या बोलती खाला क्या बोलती जिसके भी पास गया बेटा चल खाना खा नहीं जी फूपू बहुत खा के आप पेट भर के है देखो कहाँ कहाँ जाके आया मियाँ देखो पुप्पू खाला के पास गया मामू के पास गया यहाँ गया वहां गया अब तुम भी एक थे तुम्हारे पास भी आके ईद ही मिल के जातु बोल के सलाम करके जातूँ बोल के आ पुप्पू अगर एक डायलॉग मारे समझो अरे बा तेरे खाला के पास खाता मेरे घर को कहीं को खाता क्या करते अब वहाँ पर जबरदस्ती खाना से पड़ता खाने का दिल नहीं है मूड नहीं है लेकिन उनका डायलॉग इतना खतरनाक है कि नहीं खा के नहीं जा सकता यहाँ पर तो भैया खिलाता अल्लाह करोड़पतियों को हम देखते हैं बहुत है पैसा लेकिन बीमारियां ऐसे हैं खाली वो लोग उबाले सो दाल का पानी पी के जिंदगी गुजारते मालूम है खाना नहीं खा सकते मुंह के सामने मीठे देखते अच्छे अच्छे मजे के नहीं खा सकते खाली शुगर की बीमारियां हैं सो लोगों को देखो करोड़ों की प्रॉपर्टी है शादी खाने में जाते हैं नजरें बंद करके कुछ तो भी खा लेके निकल जाते हैं मीठा सामने है लेकिन नहीं खा सकते तो बहरियाल रिजक देने वाला अल्लाह खिलाने वाला अल्लाह बरकत देने वाला अल्लाह हाँ अल्लाह किसी को कम देता किसी को ज्यादा देता इसलिए कि अल्लाह ताला आजमाता इम्तिहान लेता अब कुछ लोग ये भी सवाल कर सकते हैं नहीं अल्लाह ताला फिर अगर रिजक देने वाला है तो अल्लाह ताला उन गरीबों पर ना इंसाफी कर रहा ना गरीब तो गरीब है बेचारा उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा अमीर तो अमीर है करोड़ों की प्रॉपर्टी है ये ना इंसाफी है ना इंसाफी नहीं है इसमें भी इंसाफ है क्यों अगर हर आदमी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो हर आदमी के पास बड़े बड़े गाड़ियां और बंगले हो अगर उसके घर में काम करने की जरूरत पड़े तो कोई आके काम करता अगर मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और आपके पास भी करोड़ों की प्रॉपर्टी है लेकिन मेरे पास घर बनाने के लिए घर नहीं है रहने के लिए छत नहीं है अब मैं बुला रहा हूं भाई आ जाओ घर बनाएंगे आप आएंगे नहीं आएंगे मेरे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है मैं कहीं को आके काम करता हूं भाई कौन सा भी काम अब गटेरा है नालियां हैं रास्ते हैं रास्ते खराब हो गए कुछ भी काम करना है काम करो आओ सबके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है उन्हें कहीं को काम करेंगे भाई रोड पे जाके क्यों लेबर का काम करेंगे वो बताओ सबके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है खेत में जाके इतने, इतने इतने घंटे वो क्यों काम करेंगे नहीं मेरे पास बहुत पैसे है मैं खा अरे खाने को नहीं मिलता अगर सबके सब, सब करोड़पति बन गए तो घर नहीं मिलते सबके सब कोई काम नहीं हो सकता दुनिया का निजाम चल ही नहीं सकता अगर सबके सब, सब करोड़पति बन जाए तो इसलिए अल्लाह ताला जिसको चाहा करोड़पति बनाया जिसको चाहा गरीब बनाया जिसको चाहा फकीर बनाया और एक बात ये भी याद रखो कि सिर्फ इम्तिहान गरीब का ही है क्या नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं इम्तिहान अमीर का भी है यह सोच लेना कि मेरे को गरीबी दे के अल्लाह इम्तिहान ले रहा हूँ उसको तो बहुत दिया उन्हें खुश नसीब है नहीं उन्हें उससे भी ज्यादा इम्तिहान में है कि अल्लाह उसको दिया तो उन्हें क्या कर रहा देने के बाद और करता 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 गरीब होते नहीं करता। ये, गुना करता। ये उसके लिए और खतरनाक इम्तिहान है तो याद रखो बहरहाल ये सब चीजें जैसा कि मैं अभी बताया दो असबाब है ठीक है एक मादी असबाब और दूसरा दीनी असबाब तो आज में दीनी तौर पर क्या क्या वो काम करना जिसकी वजह से अल्लाह ताला हमारे जिंदगियों में बरकत देगा उसमें से एक चीज आप लोगों के सामने बताना चाहता हूँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले अच्छा पहले एक दो हदीसा सुन लो फिर उसके बाद एक एक करके वो कौन सी चीजें हैं आप लोगों के सामने इंशाल्लाह रखने की कोशिश करूंगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी जान को मौत नहीं आती यहां तक के वो अपने रजक को मुकम्मल ना कर ले बस अल्लाह से डरो और खूबसूरती से रजत तलाश करो कहीं ऐसा ना हो कि रजत का मौकिर होना तुम्हें इस बात पर उकसा दे कि तुम अल्लाह की के ना हाकिम की रिवायत अल्लाह के वसल्लम ने क्या फरमाया यहाँ पर किसी जान को मौत नहीं आती अल्लाह जितना लिखा उतना खाए बगैर वो नहीं मरता अल्लाह ताला उसको उतना खिलाएगा जितना उसकी जिंदगी में अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में लिख दिया है और खूबसूरती से रिजक तलाश करो मतलब हलाल तरीके से रिजक तलाश करो ऐसा ना हो कि माल जमाना जमाना जमाने की ख्वाहिश में कहीं तुम अल्लाह के नाफरमानिया करने वाले ना बन जाओ सूद खा के कतल करके, करके अगर ऐसा करे तो फिर ये नाफरमानी होगी याद रखो अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक और हदीस ये हाकिम की थी दूसरी मुस्नद अहमद की रिवायत जब तू देखे कि अल्लाह ताला बंदे को उसकी नाफरमानियों के बावजूद दुनिया दे रहा है तो ऐसा शख्स जरूर डर जाए क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से मोहलत है मतलब किसी को अगर बहुत पैसे मिल रहे करोड़पति बन रहा तो ये देख के कभी ये मत समझो वो खुशकिस्मत है बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला बंदे को उसकी नाफरमानियों के बावजूद दे रहा उन्हें गुनाह कर रहा फिर भी उसको बहुत बरकत आ रही हम समझते हैं ना हम इतने नमाजी है हम रोजा रख रहे हम नेकी कर रहे हमारे को मिल रहा नहीं लेकिन उन्हें शराब पी रहा कर रहा सूद खा रहा क्या क्या गुना कर रहा फिर भी अल्लाह उसको बहुत बरकत दे रहा इसका मतलब क्या है अल्लाह ताला उसे असल में इस चीज को देख के डरना है क्यों डरना है क्योंकि क्यों अल्लाह की तरफ से उसको ढील है मोहलत अल्लाह दे रहा उसको दे रहा क्यों दे रहा इन्हें और कितने गुना करता अल्लाह अकबर तो इसलिए कभी यह ख्वाहिश ना हो हमारी तो अब वो इस्बाब क्या है एक एक करके इन आप लोगों के सामने रखूंगा पहली चीज ईमान और तखवा इख्तियार करना ये जैसा कि मैं दीनी इस्बाब बयान कर रहा हूँ अब दुनियावी इस्बाब तो मैं नहीं बयान करूंगा क्योंकि उसको बयान करने की जरूरत नहीं है हर आदमी को मालूम कौन सा कारोबार करे तो कितनी बरकत आती है किसमें कितने पैसे है क्या पढ़े तो क्या डिग्री में क्या है ये सब चीज़ें आपको मालूम है हर मुसलमान को मालूम है वो बोलने की जरूरत नहीं है ये नहीं मालूम है असल में दिन के बारे में नहीं मालूम इसलिए मैं बता रहा हूँ पहली चीज ईमान और तखवा अख्तियार करना जैसा कि दलिल सूरा आराफ आयत नंबर 96. सिक्स वलौ अन्ना अहल अलकुरा आमनु वत्तकौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द वलाकिन कज़बु फ़ाख़दनाहुम बिमा कानू यक्सिबून और अगर इन बस्तियों के रहने वाले ईमान ले आते और परहेजगारी इख्तियार करते तो हम इन पर आसमान और ज़मीन की बरकतें खोल देते क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला ईमान और तक्वा ईमान लाओ ईमान में मिलावट मत करो जुल्म मत करो शिरक मत करो फिर उसके साथ तखवा वाली जिंदगी गुजारो अल्लाह से डरते हुए जिंदगी गुजारो बुराइयों से बच के जिंदगी गुजारो तो अल्लाह ताला आसमानों जमीनों की बरकतें खोल देगा बरकत अल्लाह देता रिजक अल्लाह देता यह पहला सबब है दूसरा सबब कसरत अस्तफार अस्तगफार ज्यादा से ज्यादा करना इसकी वजह से अल्लाह ताला बरकत देता पाकिजा रिजक देता कैसा पाकिजा का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा माल जमा हो जाए नहीं नहीं बल्कि जो आपके दीनी मामिलात में आपका मददगार भी बने जिससे आपकी दुनियावी जरूरियात भी पूरी होती रहे क्योंकि दीन से दूर करने वाला रजह किसी भी सूरत में पाकिजा नहीं हो सकता पैसे बहुत है लेकिन वो पैसों के चक्कर में दिन से दूर हो रहा कारोबार इतने ज्यादा है नोटा गिनने में उसको नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा पैसे इतने ज्यादा है कि रात को नींद नहीं आ रही दिन को चैन नहीं आ रहा चोरों का डर है ये सब चीजें हैं पैसे इतने ज्यादा हो गए कि किसी का कब्जा कर रहा हूँ किसी का चोरी कर रहा हूँ कोई रो रहा किसी को सता रहा हूं। उसको फिक्र ही नहीं रही उन्हें दीन से दूर, से दूर होते चले जा रहा उसको ना नमाज का टाइम है ना रोजे का टाइम है ना कुरान तो की तिलावत पढ़ रहा ना अल्लाह की राम में खर्च कर रहा ना अल्लाह की दीन की फिक्र रही दुनिया 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 परस्त बनते चले जा रहा तो फिर ऐसा, ऐसा रिजख पाकिजा रिजख, रिजख तो नहीं हो सकता यह पाकिजा रिजख नहीं हो सकता तो बहरियाल

तुम अपने पालने वाले से अपनी तकसीरों की माफी तलब करो और उसकी जनाब में तोबा करो ताकि वो बरसने वाले बादल तुम पर भेज दे और तुम्हारे ताकत पर और ताकत वत बढ़ा दे और तुम जुर्म करते हुए रूगरदानी ना करो का मतलब क्या है यहां पर अल्लाह ताला ने कहा नबी के जरिए से खौम को समझा रहा तुम अगर तोबा करो अल्लाह तला तुम्हें और ताकत देगा हाँ बरसने वाले बादल तुम पर भेज देगा मतलब अल्लाह बरकत देगा तो तौबा करना है अस्तगफार पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा अस्तगफार करना है जिसकी वजह से अल्लाह तला घरों में बरकत देता इसकी एक दलील सूरतलाक आयत नंबर दो और तीन अगर आप निकाल कर देखेंगे अल्लाह तला क्या फरमाता है कि जो अल्लाह और क्यामत के दिन पर ईमान रखता हो और जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए छुटकारे की शक्ल निकाल देता है और ऐसी जगह से अल्लाह उसे रिजत देता है जिसका इसे गुमान भी ना हो और जो शख्स अल्लाह पर तवक्ल करेगा अल्लाह इसे काफ़ी होगा अल्लाह ताला अपना काम पूरा करके ही रहेगा तो क्या मालूम हुआ दो और तीन अगर आप निकाल कर देखेंगे इन आयतों में जो अस्तवार करता है जो अल्लाह ताला से माफी मांगता है ज्यादा से ज्यादा अस्त अगर पढ़ेंगे, तो इसके बदले में अल्लाह ताला बरकत देगा जैसा कि हसन बसरी रहमत के पास एक आदमी आया कहा कि कहत साली है कहत साली की शिकायत किया हसन बसरी रहमत ने कहा कि जा बहुत ज्यादा अस्तखबार पढ़ फिर उसके बाद दूसरा आया बोला कि मैं फकीर हूँ उसको भी बोले बहुत ज़्यादा अस्तगफार पढ़ तीसरा आया बोला कि मेरे को औलाद नहीं है बोले कि बहुत ज़्यादा अस्तगफार पढ़ना है चौथा आया बोला कि मेरा बाग खुश्क हो गया उसको भी बोले अस्तगफार पढ़ चारों आए अलग अलग शिकायतें लेकर लेकिन हसन बसी रतला ने चारों को एक ही जवाब दिया अस्तबार पढ़ यही सूरत दो और तीन ये दलील देके बोले कि देखो इसमें अल्लाह तला ने वाजे कर दिया चलते फिरते खाना बनाते घर में जो भी करते हैं हम लोग अस्तखबार अगर ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे तो इसके बदले में अल्लाह ताला बरकत देगा अच्छा अस्तबार का मतलब ये नहीं है कि इधर भी गुना भी करो हराम काम भी करो फिर खाली तस्वीर लेके बहुत सारे लोगों को देखते हैं हम लोग तस्बियाँ लेके घूमते रहते हैं और उनकी आदत ऐसी रहती जाते दुकान में मार्केट में इधर बातें भी चलते रहते इधर तस्वीर ढकलने का ढकलते वो क्या तस्वीर चलती कि नहीं मालूम इधर ये भी चलती इधर ये भी चलते और इधर सिगरेट भी पीते इधर तस्बी उज बिल्ला क्या है अजीब ये तरीक़ा नहीं होता अस्तफ़र का तुम गुना भी करो झूठ भी बोलो धोखा भी दो और अस्तफ़र नहीं अस्तगफ़र का मतलब ही हम गुनाहों से माफ़ी मांग रहे अल्लाह तला से तो ये सोचते हुए कि अल्लाह मुझे माफ़ कर अल्लाह मेरी माफिरत कर अल्लाह तुझ मुझे माफ़ कर एक फिक्र के साथ ये नीयत हो हमारी कि हम गुनाह नहीं करेंगे इस तरह अगर हम स्तखबार करेंगे तो उस दस्तखबार का फ़ायदा रहेगा वरना ये सिर्फ ज़ुबान से चलते रहें और गुनाह भी करते रहें तो इस हस्तफार का कोई फ़ायदा नहीं होगा अच्छा तीसरी चीज़ पाकिजा रज़क कैसे मिलता है उसमें से एक है लगन और शौक़ से इबादत करना सिर्फ इबादत करना नहीं शौक से दिल की खुशी से दिल की गहराइयों से अस्तफार करना है यानी अल्लाह की इबादत करना है जैसा कि निहायत मोहब्बत के साथीम के साथ आजजी के साथ अल्लाह के सामने रुकू सजदा करना ऐसा नहीं है कि भाई कौन सा की हो गया नमाज पढ़ लेंगे कौन सा कि सब कर रहे हैं सबके साथ हम भी करेंगे ऐसा नहीं चलेगा इसका कोई फायदा नहीं होगा जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लाम ने फरमाया ये हदीस खुदसी हैदी खुदसी किसको बोलते जिस पर अल्लाह ताला ने कहा बोल के जो आती ना हदीस में उसको हदीस खुदसी बोलते हैं दूसरी हदीसों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने कहा लेकिन हदीस खुदसी में क्या रहता अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है क्या आदम के बेटे दिल की हुजूरी से मेरी इबादत कर मैं तेरे दिल को भर दूंगा और तेरे हाथ को पाकिजा रिजक से भर दूंगा हाकिम की रिवायत दूसरी हदीस ये भी हदीस है अल्लाह ताला फरमाता है आदम के बेटे मेरी इबादत के लिए खुद को फारिग कर ले मैं तेरे सीने को गिना से भर दूंगा और फकीरी के दरवाजों को बंद कर दूंगा सही अलजामे में यह हदीस मौजूद है यानी मेरी इबादत के लिए खुद को फारिग कर ले तुम कॉलेज को जा रहे तुम स्कूल जा रहे तुम नौकरी करने जा रहे कारोबार में है जहां भी जॉब कर रहे उसमें से टाइम निकालो अल्लाह की इबादत के लिए फिर दिल की खुशी से अल्लाह की इबादत करो तो फिर इसके बदले में अल्लाह ताला फरमाता है तेरे गरीबी फकीरी के दरवाजों को मैं बंद कर दूंगा अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुझे रिज़्क दूंगा तो हमारे अंदर ये खोट है कि हम दिल की खुशी से इबादत नहीं करते इसलिए फिर हमारे ना दुआएं हमारी ना अज़कार हमारा किसी चीज का असर नहीं होता हमारी जिंदगी में ठीक है अब चौथी चीज ये है पाकीजा रिज़्क कैसे मिलता है उसमें से एक चीज ये है कि अल्लाह की राह में खर्च करना अल्लाह की राह में खर्च करने से अल्लाह हमारे को रिज़्क देता है पाकीजा रिज़्क अल्लाह अकबर हम क्या समझते हैं जमा जमा के रखे तो हमारा माल बढ़ता है कमाना और जमाना सिर्फ बढ़ाना इससे बढ़ता नहीं 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 तुम जितना खर्च करोगे अल्लाह ताला उतनी बरकत देता उतना ज्यादा रिज़्क मिलते रहता जैसा कि सूरह बकरा आयत नंबर 261 अगर हम निकाल कर देखेंगे मसलनल्ज़िना युनफिकूना वलहुम फी सबीलिल्लाहि कमासलि हब्बतिन अंबतत सबअसना बिल फी कुल्ली सुंबुलतिन हब्बा वल्लाहु युवाइफु वल्लाहु वासीउन जो लोग अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उसकी मिसाल उस दाने जैसी है जिसमें से सात बालियां निकली और हर बाली में सौ दाने हो और अल्लाह ताला जिसे चाहे बड़ा चढ़ा कर दे अल्लाह ताला कुशादगी वाला और इल्म वाला है मतलब क्या है अगर हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो उसकी मिसाल अल्लाह ताला दे रहा जैसा कि अगर एक दाना हम जमीन में बोते हैं उससे एक दरख्त निकलता है फिर उस एक दरख्त पे और सात सौ दाने लग जाते हैं तो हम एक रुपया खर्च करेंगे अल्लाह तक स्वाब सात सौ या उससे भी ज्यादा भी देता मरने के बाद और जितना हम दुनिया में खर्च करेंगे उससे ज्यादा भी अल्लाह ताला हमको देता है इसलिए जमा के रखना नहीं बल्कि अल्लाह की राह में खर्च करना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका करने से कभी माल कम नहीं होता बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसलम रज़ी अल्लाह तआला कहा ज्यादा गिन गिन के मत रख अल्लाह की राह में गिन गिन के न दे वरना अल्लाह भी तुझे गिन गिन के देगा और बगैर हिसाब के तू अल्लाह की राम में खर्च कर अल्लाह भी बगैर देगा ठीक है फरमाया खर्च करो और अर्श वाले से कमी का खदशा ना रखो सिलसिला तो सही हमें यादि मौजूद है बिलाल रजी अल्लाह को बोल रहे कि खर्च करो खर्च करो कमी का खदशा कम होता हूँ मेरा माल ये मत सोचो नहीं होता अक्सर लोगों की यही हालत है मैं दी इतने दिए तो मेरे इतने कम हो जाते हैं ये समझते हम लेकिन नहीं होता कम जितना दोगे अल्लाह ताला उतना और देगा तो याद रखो हमारे पास तो लोग ऐसे हैं जो कोई मजबूरी के तौर पर दे देता या एहसान जता कर दे देता अरे बार बार पूछ रहे भाई नहीं दिए तो क्या समझते कौन सा कि चलो दे दो अरे रिश्तेदार है लोग क्या समझते कि नहीं दिए तो इस तरह एहसान जता कर नहीं तो कल के दिन मेरे को काम आ जाता है इन्हें बोल के ये सोच के इस तरह देते हैं इसका कोई फायदा नहीं होगा याद रखो दिल की खुशी से देना एक गरीब को एक जरूरतमंद को एक बेवा को एक यतीम को या फिर कोई मस्जिद को या मदरसे को या दीनी काम को इस खुशी से देना कि ये देने से अल्लाह ताला मेरे रिजक में भी बरकत देगा और आखिरत में मेरे लिए इसका बेहतरीन अजर है ये सोच के दिल की खुशी से देने वाले बहुत कम है नहीं पूछे तो भी देना यह है असल में दिल की खुशी उन्हें आके दस बार मांगने के बाद आज नहीं कल आओ कल नहीं परसों आओ देखेंगे अभी कारोबार उतने अच्छे नहीं चल रहे आज जो हमारे बहाने आया उजिला कितने लोग हैं अच्छे-अच्छे थोड़ा हॉस्पिटल में, में लगा हमारा हाँ अल्लाह ताला फिर तुम जब इनको धुतकारते ना एक पांच सौ रुपए देने के लिए तुम्हारा दिल आगे नहीं बढ़ता ना अल्लाह ताला हॉस्पिटल में तुम्हारे पांच पांच लाख लगा देता फिर पचास पचास हजार लगा देता फिर कई लोगों को हमने आप आंखों के सामने देखा वहां पर लगा देते कितने भी लेकिन क्या पता कि अगर हम बगैर पूछे किसी की अगर मदद कर दे इसके बदले अल्लाह ताला हमारे आने बीमारियों को रोक ले हो सकता है कि आज पांच सौ रुपए दू दिल की खुशी से दू अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखकर अच्छी नीयत से अगर दू हो सकता कल मेरी आने वाली मुसीबत बीमारी एक्सीडेंट परेशानी कुछ भी होने वाला होगा अल्लाह ताला उसको हटा दे ये बरकत ही है ना यहाँ पांच सौ दिया वहां पचास हजार का मेरे को फायदा हो सकता है ये कोई नहीं सोचता आज जमाना जमाना कमाना फजूल खर्चियों में तो किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होती लेकिन नेकी के कामों में खर्च करने के लिए अक्सर लोगों को तकलीफ होती है फिर भी अल्लाह के बंदे हैं, माशाल्लाह, बहुत सारे हमारे दोस्तों को हम देखते हैं बहुत सारे मुसलमानों को भी देखते हैं लेकिन बहुत कम है अगर परसेंटेज देखें तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिल की खुशी से अल्लाह के राम में खर्च करते हैं तो बहरहाल अल्लाह के रसूल वसल्लम ने कहा एक ये भी हदीस से खुदसी है अल्लाह ताला ने कहा आए आदम के बेटे तू खर्च कर मैं तुझ पर खर्च करूंगा सही मुस्लिम की तू बंदों पर खर्च कर तू मेरे बंदों पर खर्च कर मैं तुझ पे खर्च करूंगा यानी मैं तुझे दूंगा फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर दिन जिसमें लोग सुबह करते हैं दो फरिश्ते उतरते हैं उनमें से एक दुआ करते हुए कहता है अय अल्लाह खर्च करने वाले को बेहतर अता फरमा एक फरिश्ता ऐलान करता अल्लाह जो भी अल्लाह के राह में खर्च कर रहा तू और बेहतर अता फरमा दूसरा फरिश्ता कहता है अय अल्लाह जो रोकता है अल्लाह तू भी उसको रोक ले यानी तू भी उसका नुकसान कर सही बुखारी की यह रिवायत है याद रखो याद रखो अल्लाह की राह में खर्च करने के ताल्लुक से एक दो अहम बातें आप लोगों के सामने सुनाना चाहता हूं। दो हदीसें हैं ये दो हदीसों से हम लोगों को एक बहुत अच्छा सबक मिलता है वो सबक ये है हदीस पहले सुन लो अल्लाह के रसूल वसल्लम के पास एक भाई आया दो भाई थे उनमें से एक भाई आया अच्छा वो दो भाई ऐसे थे कि एक भाई मेहनत करता था मजदूरी करता था या कारोबार करता था यानी सिर्फ कमाने का जरिया वो एक भाई उसकी जिम्मेदारी वो लेके वो हमेशा काम कर रहा था और दूसरा भाई जो था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमेशा रहता था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म सीखता था हदीसें सुनना कुरान सुनना हमेशा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहता था ये काम नहीं कर रहा वो काम कर रहा तो अब जो काम करने वाला भाई है वो एक दिन आया अल्लाह के वसल्लम के पास आके शिकायत करता है ऐ के मैं मेहनत करता हूँ मैं काम करता हूँ मैं कमाता हूँ और ये एक मेरा भाई है जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा आपके पास ही बैठ रहा अल्लाह के रसूल वसल्लम ने क्या कहा उस वक्त हो सकता है कि इसके वजह से अल्लाह ताला तेरी कमाई में बरकत दे रहा है

इल्म सिखाने वालों पर जो खर्च करता अल्लाह ताला उस पर खर्च करेगा यानी अल्लाह उसको बरकत देगा इसके बदले में अब जितने बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हो या फिर जितने लोग गरीब है लेकिन इल्म हासिल कर रहे हैं दीनी तालीम हासिल कर रहे और क्या है कोई हाफिज बने कोई आलिम बने या कोई दीन का काम कर रहे कोई क्या है भाई इज्तेम कर रहे तो ये दीन के काम को सीखना और सिखाना इस पर जो लोग भी खर्च करेंगे जो लोग भी डोनेशन देंगे जो लोग भी मदद करेंगे लोगों का आज आखिर क्या बन गया अरे रहे हैं क्या काम करते हैं जी कुछ भी काम नहीं आराम से ऐसे ऐसे अल्फाज गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते आज लोग एक तो पैसे देते नहीं लेकिन देने वालों को ऐसी ऐसी बातें बोलते कि इनो इनको एक आसान धंधा मिल गया एक पैसे कमाने का हाउस बिल्ला ये हदीस पर गौर करते काश ये एक धंधा बना के रख लिए भाई दीन का काम बोल के, के लोगों के पास से चंदा वसूल कर रहे भाई अगर तू ये दीन का काम करने वाले को इल्म सीखने वाले या सिखाने वाले पर खर्च कर इसके बदले अल्लाह तेरे रिजक में बरकत देगा यह अल्लाह के रसूल की जुबान से अल्लाह के रसूल ने कहा हो सकता है तेरा ये भाई जो इल्म सीख रहा है इसकी वजह से अल्लाह तला तुझे रिजक दे रहा तो इसलिए कभी ऐसी बातें ना बोले अच्छा ये पहली हदीस दूसरी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना ही तुम मदद किए जाते और रिजक दिए जाते मगर अपने जुआफा की वजह से सही बुखारी की रिवायत जुआफा का मतलब जईफ कमजोर गरीब मिस्किन कोई भी हो सकते यानी अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करेगा अल्लाह ताला तुम्हारी रिजक में बरकत देगा कब तुम जब गरीबों की मदद करोगे तो मतलब तुम गरीब की मदद करे उनकी दुआ लगी तुम जिस इल्म हासिल करने वाले या सिखाने वाले के लिए खर्च करे उन्हें भी दुआ करे इनकी दुआओं की बरकतों की वजह से अल्लाह ताला तेरे रिजक में इजाफा करेगा तेरे घर में बरकत देगा यह है असल चीज तो याद रखो अल्लाह की राह में खर्च करना और ऐसे लोगों की दुआएं लेना उनकी दुआओं से हो सकता है हाँ, भी मिले माल भी बढ़े फिर आखिरत में भी इसका अजर इसका सवाब फिर जन्नत की शक्ल में बेहतरीन नमत है और इससे बड़ी खुशनसीबी क्या हो सकती है याद रखो बहरियाल पांचवी चीज पांचवी चीज पाकिजा रिजक कैसे मिलता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ये पसंद करता है इसके रिजख में फराखी की जाए और इसकी उम्र में इजाफा किया जाए उसे चाहिए कि सिला सिला रहमी रहमी करे सिलारह्मी करने से रिज़ख में माल में बरकत रिश्तों को जोड़ना सिला रहमी का मतलब काटने वालों को भी जोड़ना मुंह फेर के जाने वालों को भी जाके सलाम करना तोड़ने वालों को जोड़ना मिलना ये है रिश्तों को जोड़ना तो रिश्तों को जो जोड़ता है उसकी उम्र भी बड़ी होती लंबी होती और इसी तरह उसकी रिजक में भी बरकत होती है आखिरत को तरजीह देना हर मामले में आखिरत को तरजीह देना।, देना कैसे अल्लाह के अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स का असल मकसद आखिरत का हो अल्लाह ताला माली कुशादगी को इसके दिल में रख देता है इसके बिखरे हुए सब मामला को सुधार देता है और दुनिया भी उसके पास नाक रगड़ कर आती है मुस्नेद अहमद की रिवायत हर मामले में आखिरत को तरजीह देना मतलब क्या है जो भी हम काम करते उसमें इन्हों क्या बोलते कि उन्होंने क्या समझते कि ऐसा करे तो क्या होता वैसा करे तो नुकसान होता ऐसा करे तो फकीर बन जाते वैसा करे तो इन्हों हमारे को कमेंट्स करते ये सब छोड़ के हर काम करने से पहले मेरा रब राजी होता या नाराज़ होता ये देखना ये मेरे अमल से मेरे को आखिरत में कामयाबी मिलती या नाकामी मिलती ये देखना है लोग कर रहे करने दो लोग बोल रहे बोलने दो दुनिया में इसका मुझे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा नहीं मेरा अरब क्या चाहता आखिरत में मेरे इस अमल की वजह से मुझे क्या मिलता कई मिसालें दे सकता हूँ इस पर आप गौर करो खासतौर से हमारे ये जो यूथ ये जो नौजवान लड़कियां लड़के जो पढ़ने वाले जॉब करने वाले नहीं भाई दाढ़ी रखी अच्छी खासी नौकरी उन्हें नहीं दे तुम बोल रहा क्या करना पूरा साफ कर दे के चले जाना। चले आते। हमारी बच्चियां एग्जाम नहीं लिखने देते बुरखा पहन के आए तो पूरा उतार देते जाते एग्जाम लिख के आता ऐसी पढ़ाई पढ़ के आते जिसपे तुम्हारे को बेपर्दा होना पड़ रहा तुम्हारा चेहरा दिखाना पड़ रहा गैर मुस्लिमों के सामने नकाब उतार के चेहरा उतार के तुम लोग बैठ रहे उस तालीम से तुम समझ रहे कि तुम्हारे को दुनिया में डिग्री हासिल हो जाएगी तुम्हारे को नेकी मिलेगी नहीं 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 अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी हर मामले में आखिरत को तरजीह देता भले चले जाए मेरे भाड़ में चले जाए ऐसी नौकरी ऐसा एग्जाम ऐसी तालीम ऐसा इल्म ऐसी चीजें ऐसी इज्जत जाए तो जाए कोई मसला नहीं लेकिन मेरे को आखिरत में अल्लाह जन्नत दे मेरे नेकियों में इजाफा हो भले दुनिया में फकीर की तरह जिंदगी गुजारू गरीबी जिंदगी गुजारू कोई मसला नहीं लेकिन आखिरत में मुझे कामयाबी मिले तो फिर ऐसे आदमी को भी अल्लाह ताला तजक देता है अल्लाह ताला पाकिजा रिजक देता है इसके बरक्स आज, आज, आज लोग हम देखते हैं माल की तलाश में नमाज छोड़ देते रोजा छोड़ देते नाफरमानिया करते इनको अल्लाह ताला ताकिजा रिजक नहीं देता बल्कि ऐसे लोगों के ऊपर ऐसा आ, अजाब होता है दिन रात मेहनत करते दिन रात मेहनत करते पैसे जमाने जमाने में रातों की नींद हराम हो जाती है उसको टेंशन सो गए तो भी वही ख्याल आता सुबह उठे की फोना शाम में रोए तक फोना ना माँ की मोहब्बत ना माँ बाप की खिदमत कर सकता ना बच्चों का प्यार मिलता उनको ना बीवी की मोहब्बत मिलती किसी रिश्तेदार से बातचीत नहीं किसी से मोहब्बत नहीं उसको ऐसा पागल हो जाता जैसा उसको शैतान पकड़ लिया होगा पैसों का जिन पैसों का भूत उसके ऊपर सवार हो जाता है, वही पैसों के खातिर उसको ना नींद आती है ना रात को छैन आती है याद रखो तो बहरहाल ऐसा रिजख पाकिजा रिजख नहीं हो सकता अब सातवीं और आखिरी चीज यह है पाकिजा रिजख के लिए हमेशा दुआ करते रहना दुआ करते रहना

इल्मन नाफियान वरिस्कन तयीबा क्या है इसका तर्जुमा ऐ अल्लाह मैं तुझसे फायदे वाला इल्म इल्मन नाफिया खाली इल्म नहीं खाली डिग्री नहीं अल्लाह आई ऐसा इल्म दे जिससे किसी को मैं फायदा पहुंचा सकूं और मुझे भी उसका फायदा हो इल्म फायदे वाला इल्म और पाकीजा रिज़क खाली रिज़क नहीं यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या सिखाए व रिज़कन तयीबन पाकीजा रिज़क के लिए यह दुआ है हराम खा के सूद खा के फाइनेंस लेके बिल्डिंग बन लेना कार पे घूमना ये पाकिजा रिजक नहीं होता पाकिजा रिजख अता फरमा फिर इसी तरह कबूल शुदा अमल का सवाल मैं करता हूं वह अमालन, मुतकबला अमल करने वाले बहुत थे अमल कर करके कर थक जाते नमाजों में खड़े खड़े थक जाते रात तमाम रो रो के गुजारते होंगे लेकिन अगर उनका अमल कबूल नहीं हुआ तो बहुत बड़ा महसूस इसलिए बेहतरीन दुआ है अल्लाह कबूल शुदा अमल इसका मैं सवाल कर रहा हूं जो भी मैं अमल करूं अल्लाह उसे तू कबूल कर ले ऐसे अमल की तू तो अता फरमा छोटी सी दुआ है हर नमाज के बाद पढ़े हमेशा पढ़े तो इन दुआओं की वजह से अल्लाह ताला रिजक देता है तो बहरिया ये चंद बातें थी जो आज मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश कर रहा था उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ गई होंगी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोहफ़ी अता फ़रमा अल्लाह हम सब को पाकिज़ा रिजा कता फरमा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी नसीब फरमा आमीन असलम आईकुम वरहि वर्का अनिल रम्दुल्ल